सो गाइस नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप अपने बच्चों के लिए न्यू आधार कार्ड आवेदन किया था, लेकिन आपके अभी तक यानी कि 10 से 15 दिन बीतने के बावजूद भी आपका आधार कार्ड आपको दिए हुए एड्रेस पर आपको यानी कि ना ही डाउनलोड हो रहा है, ना ही आपको यानी कि दिए हुए एड्रेस पर आपको मिला। तो मैं इस वीडियो पर बताने, जैसे कि आप अपने यानी कि आधार कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, और एक कंप्लेन मान लीजिए आपको समय लग रहा है आधार कार्ड मिलने में, तो आप कैसे एक कंप्लेन दर्ज करवाकर आप जल्दी आप यानी कि मंगवा सकते हैं डाक द्वारा, चाहे किसी भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से आप निकलवा सकते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन के स्वयं आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो पर भी बताया है, शुरू से लेके बिन अंत तक वीडियो पर आप बने रहें। जो हमारे प्लीज चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल। प्रथम आप गूगल पे चले आना, गूगल पे लिख देना आधार। जैसे ही आधार आप लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आप मिनी की मुख्य पेज खुल जाएगा आधार कार्ड का। यह पहला ही पेज आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको यानी कि आधार कार्ड से ले वेलकम कर देना। उसके बाद यहाँ पर मुख्य पृष्ठ आपको खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चले आना, आधार कार्ड दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड, डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर ओके कर देंगे। जैसे ही डाउनलोड पर आप ओके करेंगे, यहाँ पर मुख्य पृष्ठ आपको खुल जाएगी। मुख्य पृष्ठ जैसे ही खुलेगी, नीचे आप इस चले आना। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए चेक इनोलमेंट अपडेट। यहाँ पर चेक इनोलमेंट अपडेट स्टेटस, यहाँ पर आपको इसी पर आप ओके कर देना। चेक इनोलमेंट आधार अपडेट स्टेटस पर आप जैसे ही ओके करेंगे, तैसे आपको मुख्यतः नेक्स्ट पेज आपको खुल जाएगा। यानी कि ये नेक्स्ट पेज खुल गया। उसके बाद जो जो भी आपने आधार कार्ड यानी कि आपने जो यानी कि आधार कार्ड बनवाया था अपने बच्चों का, तो उस पर आप अपना इनरोलमेंट आप नंबर यानी कि डाल देंगे। जो भी आप यानी इनरोलमेंट जो भी होगा नंबर, आप उसे आप डाल देंगे। इनरोलमेंट लिखने के बाद आप सीधा अपनी कैप्चर कोड भरने के बाद आप सबमिट पर ओके कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही ओके करेंगे, तैसे आपको यानी कि आपको पूरा स्टेटस लिखा हुआ आ जाएगा, स्टेटस लिखा हुआ आ गया आपको, ये आ गया। दिस इनरोलमेंट अंडर प्रोसेसिंग चेक योर अगेन आफ्टर आफ्टर, ऐसा कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ आ गया। जो मैंने अपने यानी कि एक आधार कार्ड चेक कर रहा हूँ, जो अभी तक यानी कि समय लग रहा है, यानी कि अभी प्रोसेसिंग में है, अभी ये आधार कार्ड नहीं आया बच्चों का। तो ये इसी पर प्रकार यानी कि आप अपने बच्चों का यानी कि ट्रैक करके यानी कि पता कर सकते, कहीं तो रिजेक्ट तो नहीं हो गया आपके बच्चों का। लेकिन अगर मान लीजिए समय भी लग रहा है आपका, यानी कि अभी तक यानी कि आधार कार्ड आपके आपके दिए हुए एड्रेस पर नहीं आया है, यानी कि आपको बनवाने हुए लगभग एक माह बीत गया, 15 से 20 दिन बीत गया, तो सर्वप्रथम आप सीधा बैंक चले आना। ये देखो आप सीधा बैंक चले आना। बैंक आने के बाद यहाँ पर यानी कि एक हेल्पलाइन नंबर रहता है, इस पर कांटेक्ट इस पर हेल्पलाइन नंबर रहता है। इस पर आपको हम बता दे रहा हूँ कैसे आपको कहाँ पर हेल्पलाइन नंबर, ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि उदय का ये हेल्पलाइन नंबर है। इसी पर आप यानी कि आप इसी पर आपको कंप्लेन करना पड़ेगा टोल फ्री नंबर पर। ये हो गया, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कंप्लेन दर्ज करवा देंगे कि आप बोल देंगे जो भी है, यानी कि एड्रेस बताएंगे आपको, यानी कि आधार कार्ड यानी कि अपडेट यानी कि न्यू आधार कार्ड आपने लगभग एक महीना हो गया बनवाया, लेकिन आपके दिए हुए एड्रेस पर ना ही अभी तक आया है, ना ही अभी तक डाउनलोड हो रहा है। तो आप इसी नंबर पर आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। जो भी आप उसे बायोडाटा जिसने जिस तारीख को आपने अपना आधार कार्ड के लिए अपने बच्चों के लिए आधार कार्ड आवेदन किया था, पूरी डिटेल यानी कि जन्म तिथि, इनरोलमेंट नंबर, यानी कि जो भी यानी कि आपको पूछेंगे, तो उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे, पूरा आपको यानी कि बता देंगे कि आपका यानी कि कब तक यानी कि आ जाएगा आपके बच्चों का आधार कार्ड, कब तक यानी कि बनकर आ जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।